नमस्कार दोस्तों, आज के कुछ मुख्य बड़ी खबरें। मेरा नाम है अंकित पाठक, आप हैं आउटसाइड द लॉ स्क्रीन। कल आईटी सेक्टर में हुई ब्लड बाथ के बाद आज माहौल थोड़ा सा नॉर्मल था। इन्फोसिस आज फ्लैट था, जबकि आप मिड कैप छोटे आईटी सेक्टर की कंपनी को देखोगे ना तो मजबूती भी देखने को मिली है। अच्छी बात है निवेशकों के लिए। दूसरी बात, BCG ये कंपनी जहां पे रिटेल निवेशकों का काफी ज्यादा उत्साह रहा करता था, एक समय पे 100 रुपए से भी ज्यादा ट्रेड करती थी, फिर से लगातार दूसरे दिन लोअर सर्किट लगा है। अगर आपका सवाल है क्यों, आप जानते हो इस पे वीडियो बनाया था। फिर से सेबी ने इन पे आरोप लगाए हैं, कुछ फ्रॉड हुआ है कंपनी पे, बड़ा फ्रॉड हुआ है और बड़ा एक्शन लिया गया है सेबी के द्वारा। अगर आप जानना चाहते हो एक्चुअली में क्या हुआ है, अगर आपने मिस आउट कर दिया, पूरी डिटेल में वीडियो बनाई थी मैंने, आप देख सकते हो। तीसरा, रिजल्ट सीजन चल रहा है, याद रखिए कौन कौन सी कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। आज आपका ICICI जनरल इंश्योरेंस का रिजल्ट है, इतना इम्पैक्ट कुछ नहीं डालेगा ट्रेडर्स पे। और दूसरा, कल आपको टाटा कम्युनिकेशन का रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगेन स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, ज्यादा कोई बड़े इफेक्ट नहीं देखने को मिलेंगे। आइए अब मार्केट एनालिसिस पे चलते हैं, देखते हैं कि मार्केट में कौन से लेवल पे क्या करना चाहिए। आइए दोस्तों निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। आज की कैंडल पे अगर आप नजर डालोगे तो एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन है। थोड़ा सा जूम इन करके वॉल्यूम पे भी नजर डालो, वॉल्यूम आज आपको कम देखने को मिलेगी और स्पेशली कल से कंपेयर करोगे तो बेहद ही कम वॉल्यूम है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक ब्लैक लाइन और एक ब्लू लाइन मैं आपके लिए दर्शा रहा हूँ। ये ब्लैक लाइन जो आप देख रहे हो, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन है। और जस्ट उसके नीचे ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हो, ये 50 डे मूविंग एवरेज की लाइन है। यानी जैसे ही आप 17600 से 17500 के 100 पॉइंट के रेंज में आते हो, यहां पे काफी सारे बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट है। मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट है, चैनल का सपोर्ट है, प्राइस एक्शन सपोर्ट है, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिल जाता है। और बिल्कुल आप देखोगे दोनों ही कैंडल, कल की भी कैंडल आज की भी कैंडल, की लोअर विक रिजेक्शन इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट से हो रही है। इसीलिए जब तक आप 17500 के ऊपर हो तो ये बेरिश एंगल्फिंग देख के ज्यादा घबराना नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि ऊपर आने पे ब्रेकआउट की संभावना इस समय फिलहाल थोड़ी सी कम है, बाजार रेंज बाउंड रह सकता है। ये वाला पार्ट कैसे मैं समझा, यहां तक तो समझ में आ गया कि नीचे आएगा तो सपोर्ट आएगी, लेकिन ऊपर ब्रेकआउट की संभावना कम क्यों है? सबसे पहले प्राइस एक्शन या बेरिश एंगल्फिंग को इतना तो वेटेज दो गई। दूसरी बात है, अगर मैं आपके लिए एक और इंडिकेटर ओपन कर देता हूं, ये आपके सामने MACD इंडिकेटर है, यहाँ पे आप देख सकते हो MACD में पॉजिटिव क्रॉसओवर हो चुका है, जो मैं बता रहा था, डाइवर्जेंस भी बढ़ता जा रहा था, जो अच्छी बात है। लेकिन पिछले 3 दिनों से देखोगे डाइवर्जेंस कम हो रहा है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि बाजार के बढ़ने की रफ्तार थोड़ी कम हो रही है, मोमेंटम कम हो रहा है। अब अगर बाजार को ब्रेकआउट करना है तो लोअर मोमेंटम पे ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा, इसीलिए कह रहा हूं बाजार रेंज बाउंड रहेगा। ये सारी चीजें आपका बाजार खुद आपसे कह रहा है, बस हमें क्या एज अ ट्रेडर करना क्या है, लेवल डिसाइड करने हैं और मार्केट हमें खुद स्ट्रेटेजी बता रहा है कि रेंज बाउंड बाजार को आप कैसे ट्रेड करोगे, नीचे आएगा खरीदारी, ऊपर आएगा तो बिकवाली। सिंपल चीज है, बाजार खुद बताता है सारी चीजें। निफ्टी की ऑप्शन चेन में आओगे, आपके लिए निकल क्या क्या आता है? आज देखो मंदी की पोजीशन बनाई गई है, आज शॉर्टिंग की गई है। यहां पर सबसे पहले मैं आपके लिए सपोर्ट लेवल बताता हूं, कहां पे सपोर्ट लेवल है। अगर आप देखोगे 17700 पे लगभग 62 लाख यानी 62 लाख कॉन्ट्रैक्ट बैठे हैं 17700 पे, 17600 पे भी लगभग इक्वल 60 लाख बैठे हैं और 17500 पे भी इक्वल 62 लाख बैठे हैं। यानी हर 100-100 पॉइंट पे एकदम बराबरी के कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं, इसीलिए नीचे ब्रेक करना, 17500 तक ब्रेक करना मुश्किल है। तीनों सपोर्ट बराबर स्ट्रेंथ के हैं, लेकिन आज कहीं पे भी ज्यादा तेजी के कॉन्ट्रैक्ट ऐड नहीं हुआ है जिस तरह के मंदी के हुए हैं। रेजिस्टेंस बहुत क्लियरली निकल के आ रही है, कहां पे निकल के आ रही है? 17700 अगर आप ध्यान दोगे, जो आपके लिए एट द मनी भी है, यहां पे आप देखोगे 1,30,00,000 कॉन्ट्रैक्ट है एक ही स्ट्राइक पे 1,30,00,000 कॉन्ट्रैक्ट है। 17700 निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, इसके लिए आपको न्यूज या डाउ फ्यूचर या कोई बहुत बड़े स्टॉक में बहुत अच्छे रिजल्ट्स की जरूरत पड़ जाएगी इस हफ्ते निकालने के लिए। आज के दिन आप देख सकते हो 45 लाख एड भी हुए, लगभग 46 लाख है।
तो अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट है ये आपके लिए, सबसे मेजर रेजिस्टेंस ऊपर 17,800 पे भी आप देख सकते हो, 1,12,00,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यानी ऊपर के साइड रेजिस्टेंस बिल्कुल बन चुके हैं, ऊपर अब निकलना मुश्किल है और नीचे भी आपके लिए सपोर्ट है। ऑप्शन चेन भी सेम बात कह रही है ना, जो टेक्निकल कह रहा था कि आपका बाजार रेंज बाउंड है। स्ट्रेटेजी में बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी बनेगी। आइए यहां से मूव करते हैं बैंक निफ्टी की तरफ और देखते हैं वहां क्या हुआ है। बैंक निफ्टी निफ्टी से थोड़ा ज्यादा मजबूती दिखा रहा है, आप जान रहे हो बैंक्स में काफी मजबूती है। अच्छा, बैंक निफ्टी की मजबूती का एक बहुत बड़ा कारण यहीं पे एक्सप्लेन कर दूं, उसके पीछे पीएसयू बैंक की मजबूती है। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है ना, वो बहुत ज्यादा मजबूत है। आज के दिन भी आप देखोगे लगभग 0.75% मजबूत थे, जबकि निफ्टी बिल्कुल फ्लैट था और बैंक निफ्टी में भी ऐसी कोई मजबूती नहीं थी। यहां पे आप देख सकते हो निफ्टी का चार्ट आपके सामने, ये देखिए एक रेड कैंडल है, इसको मैं हैमर कहूंगा, एक रेडिश हैमर है, या आप हैमर ना भी कहना चाहो तो आपको जो चीज देखनी है इसकी बेहतरीन लोअर विक रिजेक्शन, ये कल की कैंडल थी। आज आपका एक डोजी का फॉर्मेशन है, लोअर वॉल्यूम पे फॉर्मेशन है। इस कैंडल ने रेजिस्टेंस कहाँ से लिया है, कौन से लेवल पे रेजिस्टेंस लिया है, बिल्कुल पहला ही जो टारगेट हम लोग ने बनाया था 42,500 का, वहीं से रेजिस्टेंस लिया है। ये पहला और बड़ा रेजिस्टेंस है इस समय। ऑप्शन चेन में देखोगे तो आपको और समझ में आएगा। सपोर्ट कहाँ से लिया, बिल्कुल 42,000 के 100 पॉइंट ऊपर से ही लिया, लेकिन मैं आपके लिए पहला सपोर्ट 42,000 का ही बोलूंगा। मोमेंटम इंडिकेटर पॉजिटिव है और यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर लूज नहीं हो रहा है, हल्का सा कम हुआ है, सिर्फ एक दिन कम हुआ है, निफ्टी में 3 दिन लगातार हो चुका है। तो बैंक निफ्टी आप देख सकते हो इसलिए आउट परफॉर्मेंस भी कर रहा है, बैंक निफ्टी में मजबूती थोड़ी ज्यादा है। आइए यहां से बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे चलते हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में बिल्कुल क्लियर डेटा निकल के आ रहा है। सबसे पहले 42,500 आपके लिए बड़ा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, 44,00,000 कॉन्ट्रैक्ट बैठे हैं। आज के दिन आप देख सकते हो लगभग 18,00,000 आज ही ऐड हुआ है, तो हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट भी है, हाईएस्ट आज ही ऐड हुआ है, निकालना उतना आसान नहीं रहेगा। जबकि 42,000 आपके लिए पहला सपोर्ट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है। क्यों कह रहा हूं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप देखो 33,00,000 कॉन्ट्रैक्ट है। यू देखने पे आपको लगेगा कि पूरी ऑप्शन चेन में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है तो सबसे मजबूत सपोर्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि आज आप देखोगे 3,00,000 3,50,000 कॉन्ट्रैक्ट आज कम होके आए हैं, और टेक्निकल में भी अगर आप उसको कंबाइन करके देखोगे तो 42,000 का सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं निकल के आता है। तो कहाँ निकल के आता है, ये चीज मैं आपको स्ट्रेटेजी में बताऊंगा, बट मैं आपको सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशियो बताना भूल गया, यहीं पे एड ऑन करता हूँ। बैंक निफ्टी की, यहाँ पे BN लिख देता हूँ, बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशियो फिलहाल 0.97 पे चल रही है, जो मैं कहूंगा बिल्कुल न्यूट्रल है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और निफ्टी की पुट कॉल रेशियो हल्की हो चुकी है, हल्की से बेयरिश है, लेकिन ओवरसोल्ड नहीं है, इसकी वजह से तेजी नहीं आएगी। ये चल रही है लगभग 0.82 पे निफ्टी के, तो बेयरिश साइड पे निफ्टी। आप बिल्कुल सेम बात पुट कॉल रेशियो भी कह रहा है, बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा मजबूत है। आइए अब स्ट्रेटेजी की चर्चा करते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में ही जो स्ट्रेटेजी हमें यूज करनी है वो बाय ऑन टिप्स की है, नीचे आने पे खरीदारी करनी है आपको। और निफ्टी में जो स्तर निकल के आते हैं खरीदारी करने के, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्तर है, बेहद ही मजबूत है। निफ्टी के केस में ये 17,575 से लेके 17,500 का है। इस 75 पॉइंट की रेंज में कभी भी आपको निफ्टी मिल जाता है, यहाँ पे आपको डेफिनेटली खरीदना है। आप चाहो अपनी मर्जी से तो ऊपर से भी खरीद सकते हो, लेकिन ये सेफेस्ट रीजन है निफ्टी को खरीदने का। यहां से जो आपकी स्टॉप लॉस बनेगी वो 17,480 की बनेगी। 17,480 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस रेंज में खरीदेगा, बाय ऑन टिप्स करना है हम लोग को निफ्टी में। ऊपर आएगा जो टारगेट बनेंगे, ऑब्वियसली आप बहुत बड़े टारगेट नहीं बनाओगे, ऊपर आने पे 17,650 17,700 17,775, ये तीन सिर्फ टारगेट हम लोग को बनाएंगे, उसके ऊपर की यात्रा हम लोग फिलहाल नहीं देख रहे हैं। बैंक निफ्टी के केस में, बैंक निफ्टी के केस में कहां से खरीदेंगे, कौन सा सेफेस्ट लेवल है, दो एंट्री के पॉइंट दूंगा, लेकिन सबसे पहले जैसे मैं करता हूं सबसे सेफ लेवल दूंगा एंट्री का। बैंक निफ्टी में जो सेफेस्ट लेवल है एंट्री का वो 41,800 से लेके 41,600 की, ये 200 पॉइंट की रेंज है। आप 41,500 के स्टॉप लॉस के साथ यहां से बैंक निफ्टी को आपको खरीदना चाहिए, ये सेफेस्ट लेवल है। लेकिन अगर कुछ होता है, आप कहते हो यार
पता नहीं आएगा कि नहीं, वैसे उतना दूर भी नहीं है, आ भी सकता है। लेकिन अगर आप मल्टीपल लॉट लेते हो, आप ज्यादा अग्रेसिव ट्रेडर हो, आप खरीदना चाहते हो, ये कंडीशनल खरीदारी होगी। ये जो लेवल दे रहा हूं वो सबके लिए नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ अग्रेसिव ट्रेडर के लिए होगा जो स्क्रीन के सामने बैठ के ट्रेड करते हैं। इसमें क्या क्या कंडीशन है? सबसे पहले बैंक निफ्टी को 42,000 के लेवल के ऊपर टिकना होगा, पहली कंडीशन। अगर इसके ऊपर टिकता है, आपको देखना है क्या डाउ फ्यूचर पॉजिटिव है। अगर डाउ फ्यूचर भी पॉजिटिव होगा, आप 42,000 के आसपास आते हो, तो आप 42,000 से भी बैंक निफ्टी को खरीद सकते हो। लेकिन यहां पे आपको स्क्रीन पे बैठ के डाउ फ्यूचर की ट्रेडिंग को ट्रैक करना पड़ेगा और स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ अग्रेसिव ट्रेडर के लिए है। ये वाली रेंज है जहां से आप लोग सबको ही खरीद सकते हो, स्टॉप लॉस बिल्कुल क्लियर निकल के आता है। सबसे पहला स्टॉक जिसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा वो है इंडियन बैंक। आपने देखा ना, बैंक निफ्टी मजबूत है और बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा मजबूत कौन है? सरकारी बैंक है। इंडियन बैंक आप जानते हो एक सरकारी बैंक है। इलाहाबाद बैंक का विलय इस बैंक में हुआ था, जिसके बाद ये बैंक ना ही काफी बड़ा हो गया, उसके बाद ये बैंक की परफॉर्मेंस आप देखोगे लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है। उसके अलावा आप देखोगे इसमें FII की होल्डिंग बढ़ती जा रही है इस सरकारी बैंक में, और ये सरकारी बैंक 4 साल के बाद बहुत तगड़े मूव दिखा रहा है। आप देख सकते हो एक तरफा तेजी इस बैंक में हुई है और कोई भी बड़ा करेक्शन नहीं आया। बाकी सारे स्टॉक में करेक्शन आया है, इसमें कोई करेक्शन नहीं आया है। ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा था, इसमें एक नया ब्रेकआउट बन रहा है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ। आप देख सकते हो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इसकी पिविट पॉइंट 310 पे थी और उसका ब्रेकआउट आज के कैंडल के साथ आपको कन्फर्मेशन के साथ मिल चुका है इंडियन बैंक में। इंडियन बैंक में जो लोग खरीदना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा ये पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए है। यहां पर आप 310 के स्टॉप लॉस के साथ इंडियन बैंक में सबसे पहला टारगेट 340 का और दूसरा 364 का, ये दो बड़े टारगेट के लिए आप इंडियन बैंक को पोजिशनली बुलिश साइड पे होल्ड कर सकते हो। दूसरा स्टॉक जिसकी मैं चर्चा करूंगा वो है वोल्टास। वोल्टास में मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पे जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन फिर इस स्टॉक में मैं आपको क्यों बोल रहा हूं बुलिश साइड पे, इसमें रीजन है एक बहुत बड़ा। आज अगर आप वोल्टास को देखोगे तो वोल्टास के आज ओपन इंटरेस्ट में 11.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली, यानी ओपन इंटरेस्ट 11.5% बढ़ के आया है और प्राइस बिल्कुल फ्लैट है। इसका मतलब है कुछ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हो सकता हो इसमें पोजीशन बना रहे हो, बड़े मूव से पहले उन लोग पोजीशन बना रहे हो। यहां से अगर आप देखोगे रिस्क टू रिवॉर्ड बिल्कुल ही ठीक है वोल्टास में। यहाँ पे नीचे आपकी 812 की स्टॉप लॉस बनेगी, ऊपर के साइड आपके दो टारगेट बनते हैं वोल्टास में। सबसे पहला टारगेट 853 का है, माइनर टारगेट है, और दूसरा बड़ा टारगेट 880 का है वोल्टास में। इसीलिए इन दोनों स्टॉक में आप बुलिश साइड पोजिशनल ट्रेड्स बना सकते हो अगर आप चाहो तो। ऑब्वियसली अपनी एनालिसिस और आपके कोई भी सवाल हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और उसके अलावा अगर आप फ्री ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स देखना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इस पर क्लिक करिएगा। शुक्रिया।